गौतम सर मैं आपके पास आऊंगा, अभी सुनीलम जी ने कई चीजें कही वो कि कौन कौन बैग बैग पीछे से भी है और इसके साथ साथ ईडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल इसको लेकर घबराहट में नहीं दिखता। और इसका उदाहरण है शायद हिमाचल में जिस तरीके से पेश आए सुखविंदर सिंह सुक्खू, स्पीकर ने जिस तरीके से एक साहस के साथ उस पूरे जो मंतव्य था उसको कहीं विफल किया, तो हम इसमें कहीं ये तो नहीं मान सकते कि ये लोकतंत्र को कुचल दिया जाएगा या हो रहा है, शायद दिन लद रहे हैं। इसी का उदाहरण इसे हम माने, और ये अब ये जो स्यापा कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि अब इसी के कारण जनता जो है ठाके लगा रही है कि बीजेपी कह रही है, जो कई सरकारों को गिराने का काम कर चुकी है पहले, अनेक ऐसे फैसले हैं जो देश देख रहा है जिसमें कहां कैसे हत्या हुई। आपकी टिप्पणी गौतम सर। धन्यवाद संदीप जी। सबसे पहले बात है, देश में अभी एक नया दौर चल रहा है जिसमें अगर कोई स्पीकर या मुख्यमंत्री संविधान और कानून के हिसाब से काम करते हैं उसके लिए बधाई देना पड़ रहा है। स्पीकर हिमाचल का जो किया है वो कानून और संविधान के हिसाब से किया है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको कार्यकार किया, तो उनसे बाकी स्पीकर को सीख लेना चाहिए, लोकसभा बिल्कुल स्पीकर को भी सीख लेनी चाहिए। कितना दलबद्ध बैठा है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। महाराष्ट्र का बात देखिए, महाराष्ट्र स्पीकर की हिमाचल का स्पीकर से बड़ा राज्य का स्पीकर, वो ऐसे काम किया है आज तक, वो लंबा पेंडिंग पड़ा है मसला देश में। तो ये कहा जाता है कि अगर बीजेपी चुनाव हारेगी लेकिन सरकार बनाएगी, ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है। तो ये जो इसके खिलाफ जो अभी माहौल जो बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, बात सही है, लेकिन इस तरह का जो खास तौर पे अगर किसी को किसी अगर कोई नेता को कोई चाणक्य से भूषण किया गया है, अभी तो हिमाचल का चीफ मिनिस्टर, उसका तो अब कहेंगे कि वो तो छीन गया है ना उपाधि, अभी तो इसको माना जाएगा नया चाणक्य का। इसलिए बिल्कुल सारे कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को भी फॉलो करना चाहिए था इसका रोल जैसे है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा, देश में 10 साल में जो हुआ है, नैतिकता, संविधान, रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं रहा है। जो शासक, जो सत्ताधारी दल जो कहेंगे वही रूल है, वही संविधान, ये चलता आ रहा है। पहली बार इसको एक झटका लगा। इसके पहले आप देखिए जितना सरकार बने, गोवा में हो, कर्नाटक का इस सरकार का पहले वाला जो बीजेपी की सरकार हो, उसमें स्पीकर का रोल क्या था? स्पीकर अपने एंटी डिफेक्शन का लॉ के मुताबिक काम किया था? किया नहीं ना, लेकिन वो न्यू नॉर्मल हो गया, सबने मान लिया। कुछ तो पत्रकार ऐसे भी है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी बोल दिया। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि इसके लिए अपोजिशन, खास तौर पे जहां पे कांग्रेस है कि बाकी विरोधी दल, इसके भी सतर्क होना चाहिए था। वो थोड़ा उसमें कमियां दिखाई थी, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी एक टारगेट कर रहे थे कि किसी तरह से राज्यसभा में उसका बहुमत आ जाए। अभी 4 शॉट है, ओनली 4 मेंबर, 4 मेंबर जी जरूरत है ताकि अपने आप बहुमत में आ जाएगा। लोकसभा में होने का तो वो मान के चल रहा है कि बहुमत आएगा कि नहीं आएगा के बाद में जनता तय करेंगे, लेकिन पहले से वो राज्यसभा का बहुमत की तरफ ध्यान दिया था। तो ये जो स्ट्रेटेजी, ये इतना दिन तक जो पॉलिटिक्स में है इनको समझना चाहिए था। खास तौर पर मैं कहूंगा एआईसीसी का पदाधिकारी, जो इनके जिम्मेवार, इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उनका लापरवाही दिखाई दे रहा है, इसको आपको मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जब आप किसी को मन टिकट देते हो, इसके लिए आप आजकल एक नया सिलसिला चालू हुआ ना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सुबह मैसेज आता है, वन एमिनेंट पर्सन विल ज्वाइन द पार्टी। एमिनेंट क्या है? क्योंकि वो दलबदलू है, वो दलबदलू को एमिनेंट अखा दिया जा रहा है, बीजेपी दे रहा है, कांग्रेस भी दे रहा है, परसों भी कांग्रेस में एक ज्वाइन किया। तो ये ज्वाइन किया करने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि ये परमानेंटली रहेंगे, ये चला जाएंगे फिर जा सकते हैं, ये अगर एक बार गया है, दो बार गया है, तो तीसरी बार भी जा सकता है। इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। जो कार्यकर्ता अपने खुद अपना रोजगार से जो पार्टी के लिए काम करते हैं, झंडा ऊंचा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, आप उनसे चुनिए ना कैंडिडेट, उम्मीदवार उनको दीजिए। आपको अगर हारना ही है, सत्ता ले ले, इन लोग कम से कम पार्टी के लिए जान दे देंगे, इनको चुनना है। आपको बड़े बड़े लोग जो माफिया टाइप लीडर है, बड़े उद्योगपति है, बड़े रियल जो प्रॉपर्टी डीलर है, आप इसके पास पैसा है, ये देख के आप टिकट दे रखिए, बहुत प्रभावशाली है। प्रभावशाली का भारत में भारतीय जनता पार्टी अभी जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है,
पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा था, अभी कांग्रेस युद्ध भाजपा हो रहा है, कांग्रेस ही लोगों को ला रहा है। तो इसलिए इनका जो ये जो कार्यक्रम है, इसे कांग्रेस पार्टी हो विरोधी दल हो, सबको अपना उम्मीद भर चयन करने के लिए अपने कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा कीजिए। मैं कहता हूं ये जो छह आदमी जो गया जिसका निलंबित हुआ है, इनके लिए तो दुर्भाग्य की बात है कि ना तो भाजपा इसको टिकट देगी ना कांग्रेस को देने का सवाल ही नहीं है। मैं चाहूंगा कि पता नहीं फिर भी एमिनेंट पर्सन होकर ज्वाइन कर जाएगा तो इसको टिकट दे देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों को भरोसा मत करना है, इसलिए कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म का भी टाइम है। बात तो है आपके सामने जो खड़ा है, जो प्रतिद्वंदी है, उनके पास ताकत है, उनके पास बाहुबल है, उनके पास अर्थ बल है, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है बोल के बोलते हैं, सबसे उसका बाहुबल भी है, सबसे ज्यादा धन भी है, जितना पैसा इकट्ठा होता है इलेक्ट्रल बॉन्ड का उसका 80% इस पार्टी को जाता है। इस पार्टी के साथ जब लड़ रहे हैं तब आम जनता आम कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बड़े नेता का नाम भूल जाए, ये कभी भी पलट सकते, ये एमिनेंटों के दूसरे में जाएंगे, एमिनेंटों के आपके पास भी आ सकते हैं। तो मेरा कहना यह है इस ये हिमाचल एक लेसन है सारे देश का पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि इस तरह से आपको उनका जो जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑनस्लॉट, उसको रोकने के लिए जो करना चाहिए था, ये डेफिनेटली हिमाचल का गवर्नमेंट और स्पीकर, इसलिए हम बधाई क्यों देंगे, वो तो सही काम किया ना, यही तो करना चाहिए सब स्पीकर को। सारे स्पीकर नहीं कर रहे, ये देश का न्यू नॉर्मल है, उसके लिए ये ठीक है कि ये स्पीकर को देख के सीखिए संविधान को मानना के बाद क्या होता है। संजीव मीनू जी आपके पास आऊंगा, जो सर कह रहे हैं कि ये एक लेसन है, सीख है कि आप कैसे इनको रोक सकते हैं। तो अब ये जो इनकी बौखलाहट है, कहीं इनका एक नाराजगी है, उसके रिपरकेशंस और भी हम अन्य स्टेट्स में देख रहे हैं। तो जो सबक की हम बात करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पे, और ये इनको क्या अधिकार है, ये लोकतंत्र और जो बड़ी बड़े जो अब किताबी हो गए हैं, अब देश मान चुका है कि जो लोकतंत्र की निरंतर कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाता रहा हो, हत्या करता रहा हो, तो उसे ये सब कहना करना, आलोचना तो हो ही रही है देश में, आपकी अपनी पूरी उस पर प्रतिक्रिया। मीनू जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए हिमाचल में जो प्रकरण हुआ है उसमें जो राजशाही ने अपना खेल खेल दिया, प्यादों को कुर्बान कर दिया, उन्होंने राजा का कुछ नहीं बिगड़ा, राजा वही का वही है, रानी भी वही का वही, राजकुमार और उसकी माँ दोनों सुरक्षित, दर्ज हो गया है रिकॉर्ड में, आ गया है वो भी जी, उन्होंने 6 प्यादे कुर्बान कर दिए, हलाक हो गए वो 6 प्यादे। तो राजा की वीरता उसमें थी कि खुद भी आते उसमें सामने आते, छाती खोल के आ जाते, गोली खाते, खुद करते मनु सिंह सिंघवी के खिलाफ वोट, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, खुद पीछे रहे और आगे जो आगे की सेना थी उनमें 6 लोगों कुर्बान हो गए।